देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म का को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसका उसे पॉलिटिसाइज किया। जहां तक सनातन धर्म का प्रश्न है, सनातन धर्म को बदनाम करने का, सनातन धर्म को पूरी दुनिया में उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक उदयनिधि मारन का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। उदयनिधि सलीम का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया जैसा है। मैं आपसे ये सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहिए, जो हमारे मराठा समाज के जो युवक थे वो क्या हिंदू नहीं थे जिस पर लाठीचार्ज हुआ? ये तो हिंदू द्रोही सरकार, ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार है, हमारे जो महाराष्ट्र में बनी हुई है जो भाजपा की सरकार है।